नमस्कार, मैं आनंद शेखर और आप देख रहे हैं प्रभात खबर। बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि बीपीएससी ने बिहार में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए दो चरणों में परीक्षा ली, फिर बहाली भी कर ली गई। वहीं तीसरे चरण की परीक्षा विभिन्न कारणों से रद्द कर दी गई, जिसके बाद से अभ्यर्थी इस इंतजार में थे कि आखिर परीक्षा कब होगी। बीपीएससी ने इसकी तैयारी कर ली है और परीक्षा को लेकर शेड्यूल जारी कर दिया है। आइए जानते हैं कब होगी परीक्षा और बीपीएससी ने इसके लिए क्या तैयारी की। बिहार लोक सेवा आयोग के अनुसार तीसरे चरण की रद्द परीक्षा 10 से 12 जून तक होगी। वहीं इसका रिजल्ट ठीक एक महीने बाद 10 जुलाई को रिलीज किया जाएगा। गौरतलब है कि तीसरे चरण में शिक्षा विभाग ने 87,774 शिक्षकों की बहाली करने का निर्णय लिया था। बीपीएससी के स्तर से शिक्षक बहाली की परीक्षा का कैलेंडर जारी किया गया है, जिसके अनुसार अब हर साल शिक्षक बहाली के लिए परीक्षा होगी। कैलेंडर के अनुसार यह परीक्षा प्रतिवर्ष 24 अगस्त को होगी। इस तरह चौथे चरण में शिक्षक बहाली की परीक्षा 24 अगस्त 2024 को होगी और इसका रिजल्ट 24 सितंबर को आएगा। बताया गया है कि चौथे चरण में सूबे में 50,000 से अधिक शिक्षक बहाल होंगे। बीपीएससी के शेड्यूल के अनुसार इस वर्ष प्रधान शिक्षक की बहाली की भी परीक्षा होगी। 40,247 प्रधान शिक्षक की बहाली होनी है। प्रधान शिक्षक के लिए 13 जून को परीक्षा होगी, जबकि इसका रिजल्ट 18 जुलाई को आएगा। वहीं प्रधानाध्यापक के 6,064 पदों के लिए 14 जून को परीक्षा और 20 जुलाई को रिजल्ट घोषित किया जाएगा। इधर सिमुलतुला आवासीय विद्यालय जमुई में 62 शिक्षकों की बहाली होनी है। इसकी परीक्षा भी 23 जून को होगी और रिजल्ट 21 जुलाई को जारी किया जाएगा। प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नहीं।